बल्कि कभी कभार हम रास्ते से गुजरते हैं, मैं हसरत से इन मीनारों को देखता हूं जो मस्जिदों के हैं, वो मीनार पुकार रहे हैं ऐ जवान आ जा, अगर तू आज नहीं आया तो कल इन्हें भी गिरा दिया जाए। उस घर का बच्चा जिसकी माओ की इज्जतें बाजार में लूटी जा रही है, ये नौजवान आज नुक्कड़ पर बैठ करके अय्याशी में मसरूफ है और तुम्हारे घरों से धुआं उठ रहा है और तुम कह रहे हो अभी सावन का बादल आया है, तुम समझ रहे हो कि सावन है, हमारे घर आज फूंक दिए जाने वाले हैं, बच्चों की जिंदगी खतरे में, बच्चियों का हिजाब खतरे में, हमारी माओ की चादरें खतरे में, हमारी मस्जिदों से बरसों से गूंजने वाली अजानें आज खतरे में, बल्कि कभी कभार हम रास्ते से गुजरते हैं, मैं हसरत से इन मीनारों को देखता हूं जो मस्जिदों के हैं, वो मीनार पुकार रहे हैं ऐ जवान आ जा, अगर तू आज नहीं आया तो कल इन्हें भी गिरा दिया जाएगा, इन्हें भी जमीन बोस कर दिया जाएगा। क्या तुम नहीं देखते इन ऊंचे ऊंचे मीनारों पर जो अजमत इस्लाम बुलंद कर रहे हैं, ये मस्जिदों के मीनारे शो के लिए नहीं लगाए जाते, इस्लाम की शान और शौकत बुलंद कर रहे होते हैं, लेकिन इन मीनारों पर आज जिस तरह के भगवे झंडे लहराकर तुम्हारी गैरत को झिझोड़ा जा रहा है, ऐ नौजवानों क्या ये सोने का वक्त है, क्या ये अय्याशी का वक्त है, क्या ये औरतों के हुस्न में दामे फरेब में फंसने का वक्त है, क्या ये पूरे मोबाइल इंटरनेट पर अपनी जवानी को बर्बाद करने का वक्त है? नहीं है नौजवानों, तुम्हें जवाब देना होगा, मेरे मुस्तफा करीम की गैरतमंद उम्मत हो तुम, कल कयामत के दिन अगर तुमसे पकड़कर वो बच्चियां पूछे कि हमारे हिजाब छीने जा रहे थे, हमारे दुपट्टे खतरे में थे, ऐ जवान तुझे अल्लाह ने ताकत दी थी, तुझे जान ही दी थी, क्या तू अपनी बहन की इज्जत के लिए आवाज तक नहीं उठा सकता था, उस वक्त तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? ऐ गैरतमंद जवानों, उठो नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, आज पलट आने का दिन है, आज वापस आने का दिन है, आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने नबी को गवाह बना करके कहो, बहुत जी लिया इन अय्याशियों में, बहुत जी लिया इन रंगीनों में, बहुत जी लिया इन रानाइयों में, अब वक्त है मेरे मुस्तफा के रुखे जमाने जहां आरा को देखने का वक्त है, ऐ जवानों आओ पलट आओ, अभी भी वक्त तुम्हारे पास है, अभी भी वक्त तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें सहाबा की चंद बातें जो तहफ्फुज़ नामों से रिसालत का जज्बा बेदार करती हैं, दो चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को तुम्हारे पास लाता हूं, तुम आज बिजलियां गिरे, अबर छा जाए, आसमान से तूफान बरस पड़े, तब भी तुम्हारे कान नहीं उठते, सहाबा का हाल तो ऐसा था, सहाबा का हाल हजरत साद बिन मुआज, हजरत साद बिन मुआज मदीने के सहाबी हैं, बहुत पहले ईमान लाए थे, अभी हुजूर हिजरत भी नहीं किए थे, मदीने से मक्का आकर मेरे आका के हाथ पर हाथ देकर बैत भी किए थे और ईमान भी लाए थे, मदीने चले गए वापस, लोगों में ईमान की दौलत बांट रहे थे, इस्लाम फैला रहे थे, लेकिन वो वक्त भी आया जब मक्का के जालिमों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया था, ऐसा बायकॉट किया था कि हुजूर पाक के पूरे खानदान को शाबे अबी तालिब एक घाटी है पहाड़ियों के बीच में रहना पड़ा, कितने दिन? दो तीन दिन नहीं, मेरे मुस्तफा ने 3 साल गुजारे, 3 साल, मक्का वालों ने ऐसा बायकॉट किया था कि कोई उनसे मिलने नहीं आता, कोई खरीदो फरोख्त नहीं, कोई सामान नहीं देता, मुसाफत तक नहीं करता, सलाम भी नहीं करता, कोई मुलाकात नहीं, उन अय्याम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ऐसे दिन आए कि आपने दरख्तों के पत्ते खाए, कई दिन तक पत्तों पर गुजारा किया और सूखे चमड़े को पानी में उबाल करके खाया करते थे, सूखा चमड़ा, उसके अलावा कुछ मैसर नहीं, मक्का वालों ने इतनी अजियतें दी हैं मेरे मुस्तफा, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं सुनो, वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, हर चीज के तहम्मुल रखते थे, साद बिन मुआज की बात मैं कर रहा हूं, मदीने में रहते थे, मदीना खुशहाल था, खजूरों के बागात के झुंड है, वहां कभी भूख और प्यास नहीं आती, मदीने में खुशहाल थे, साद बिन मुआज अचानक मदीने में रह करके चमड़े लाए और उबाल कर खाने लगे,
जिनके घर में खूब दौलत का जखीरा है वो चमड़े खाने लगे और खजूरों की बजाय पत्ते तोड़कर खाने लगे और रोते रहते थे। मदीने वाले आकर पूछते, साद ये तुम्हारा क्या हाल है, चमड़े खा रहे हो? कहते कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे मुस्तफा मक्का में पत्ते खा रहे हो और मैं खजूरें खाऊं। मैं मदीने में रह करके नरम गिजाएं खाऊं। सुना है मक्का वाले ने मेरे आका का बायकॉट किया है और खाना तक पहुंचने नहीं देते, इसलिए जब तक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पत्तों पर गुजारा फरमा रहे हैं मैं भी कोई नरम गिजा नहीं खाऊंगा। वो 400 किलोमीटर दूर रह करके भी नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया की लज्जतें छोड़ दी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, आज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अजियत दी जा रही है, क्या तुमने अपनी ऐश में कभी कोई कमी की? क्या अपनी जिंदगी के शब रोज को बदला? वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिस तरह से आज पूरी दुनिया टारगेट बना रही है, निशाना बना रही है, कभी कभार मुझे इस कदर कोफ्त होती है दिल पर कि मेरे माँ बाप को, हमारे माँ बाप को किसी ने इतनी गालियां नहीं दी और हमारे कान हैं कि मेरे मुस्तफा करीम के मुतालिक क्या क्या सुन रहे हैं। आज हजारों पोस्टें की जाती हैं, मुझे आज मैं खुल करके कहता हूं ना ये डिपार्टमेंट से, ना हुकूमत से, ना ओहदेदारों से कोई उम्मीद नहीं, ये क्या इंसाफ करेंगे? ये सब उसी थाल के चट्टे बट्टे हैं, इनकी सब मर्जी और मंशा से होता है। ये मेरे आका को पूरा मुल्क जब निशाना बनाता है उन पाखंडियों को ये खुला छोड़े रहते हैं, आजाद घूमते रहते हैं, सब उसी थाल के चट्टे बट्टे। मैं इनसे कोई एक पैसे की उम्मीद नहीं रख रहा हूं। कौन सी अदालतें आज, कौन से कोर्ट, कौन से कचहरी, कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी हुकूमतें आज इंसाफ कर रही? सब एक तरफा किया जा रहा है मेरे अजीजों, वन साइड। अब जो आस है, जो आस है इस उम्मत को, मैं यही कहना चाहूंगा, अब तुम लोगों के इन दिए हुए लॉलीपॉप के इंतजार में मत रहो जो खिलौना देकर तुम्हें सुला दिया करते हैं। सियासी नेता बड़े बड़े भाषण करके तुम्हें बुज़दिल बनाकर चले जाते हैं, कुछ नहीं होना है, सब हो जाएगा। अब जो होगा वो तुम्हारे बाजुओं की कुव्वत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आएगी। हाँ, घर में बैठ करके सिर्फ दुआ करने से नहीं, तुम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ, चेंज हो जाओ। मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं तवज्जो से सुनो। जब तुम्हारी जिंदगी बदल जाए कि मेरा जीना मरना सब नबी के लिए है, फिर देखना कि मेरा रब तबारक व तआला अपने वादे पर पक्का है। कुरान में कहता है वो कान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनी, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी के गुलामों की मदद उतारेगा। हाँ, एक वक्त वो था कि तुम जिस तरफ से गुजरते थे शजर और हजर सलाम करते, हाँ तुम्हें पता है समंदर रास्ता दे दिया करते, अफ्रीका के जंगल के दरिंदे नबी के गुलामों के तलवे छाकते थे कि मुस्तफा का गुलाम आया है मदीने से। और कहां आज हमारी हालत ये है, आज हमारी हालत ये है कि लोगों की ठोकरों पर तुम्हारी इबादत गाहें आज खतरे में, मीनार मस्जिद मिंबर में हराम सब अब दांव पर लगे हैं। बल्कि आज मेरा ये जुमला सुन करके जाओ, ये के बाद दीगरे जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म बढ़ता जाएगा। क्यों? इन सब के जिम्मेदार कौन लोग हैं? इमाम हुसैन की एक बात याद आती है, उन्होंने फरमाया था कि जालिम वही नहीं जो तलवार उठाकर गर्दन मारता है, बल्कि जालिम वो है जो जुल्म को देखकर खामोश रहता है। जुल्म को देखकर खामोश, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमारे यहां तो सब सेफ है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। अरे वो गुजरात में हो रहा है, अरे वो MP में हो रहा है, अरे वो UP में हो रहा है, अरे वो कश्मीर में हो रहा है। याद रखना, पड़ोस में लगे हुए घर की आग की चिंगारी जब उड़कर आएगी तुम्हारा घर भी जलाएगी, वो आग फैलेगी। इसलिए आज इन बिखरी हुई जिंदगियों में सिर्फ एक मैसेज मेरा ले लो,
इकबाल से पूछा गया था हमारी बीमारी का इलाज क्या है, उन्होंने कहा था पहले ये तो मालूम कर ले कि बीमारी है क्या, बीमारी का इलाज बाद में, ये मालूम कर ले कि बीमारी क्या है। आज यही कहते हैं ना, अरे नहीं हम मुसलमान पूरे एजुकेशन में पीछे हैं, यही बड़ी बीमारी है, सियासत में इनकी नुमाइंदगी नहीं, ये बड़ी बीमारी है, ये अखलाक में बहुत पीछे है, ये इनकी बड़ी बीमारी है, इनकी कियादत नहीं है, ये बड़ी बीमारी। बीमारियां तो लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। हाँ कुछ लोगों की आदत है कि कैंसर हुआ है, लेकिन कहते नहीं गैस की बीमारी है, छुपा रहे हो तुम कैंसर को, कैंसर हुआ है कब तक छुपाओगे, गैस की बीमारी है, एसिडिटी हुई है और कुछ नहीं, तो चूर्ण खाने से कहां कैंसर जाने वाला है। तुम सिर्फ और सिर्फ तसल्ली के लिए कह रहे हो कि गैस की बीमारी एसिडिटी है, हकीकत में पहुंचो। इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंद है मोमिन का बेजरी से नहीं। मोमिन जो जवाल पजीर है आज, पैसे ना होने की वजह से नहीं, इक्तदार ना होने की वजह से नहीं, एजुकेशन ना होने की वजह से नहीं, तुम्हारा जवाल का सबब कुछ और है, वो क्या है। इकबाल कहता है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। अब इलाज क्या है, इलाज क्या है, इकबाल कहता है इलाज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तू ले, कि मोहम्मद से वफा तू ले तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मेरे अजीजों यही एक मेन पॉइंट है जिस पर वापस आना है। नौजवानों से आज मैं कहूंगा, आज के बाद रात को अब घर जाओगे ये तय कर लेना, दुनिया के लिए बहुत जिया है, अब मदीने के वाले के लिए जीने का वक्त आ गया है। मैं दोस्तों के लिए बहुत चीजें कुर्बान कर चुका हूं, अब गुंबदे खजरा की के लिए कुर्बानी का वक्त आ चुका है, इसलिए कि हमारे माजी में हमारे असलाफ यही नारा लगाते थे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। जब ये जज्बा दोबारा बेदार होगा, दोबारा आएगा, क्या अब जिएगा नौजवान तो अपने नबी के लिए जिएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजु शरिया बदरु तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अखीर जमाने में इस गयूर उम्मत को बेहतरीन मैसेज दिया था, बेहतरीन मैसेज दिया था, ऐ जवान क्या तू समझता है, तुझे जो जवानी मिली है बाजारों के लिए या हमारी लाइफ है इंजॉय करने के लिए, नहीं नहीं, उस बरेली के चमकते हुए चिराग ने यह कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा मुजद्दिद वक्त ने इमाम अहमद रजा ने ये कहा था, ऐ लोगों तुम क्या समझते हो ये जिंदगी हमें अपने ऐश के लिए मिली है, नहीं नहीं सुनो, हकीकत में हमें मिली है ये लाइफ, ये जिंदगी तो किसके लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए हां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खलक फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी गुजारने का ये तरीका कर लो। ऐ नौजवानों तुम अभी दुनिया में जिस तरह मस्त हो, एक वजह ये भी है कि तुमने आज तक वो तड़प नहीं पैदा की जो बिलाल हबशी की तरह थी, आज तक वो तड़प तुम्हारे दिल में नहीं आई। सिद्दीक अकबर से पूछो आपकी जिंदगी का सबसे महबूब मशगला क्या है, दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन काम आपका है तो क्या है, नमाज है, रोजा है, खैरात है, सदका है, गरीबों की मदद करना, तीमारदारी करना, बीमारों की जनाजा उठाना, क्या है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा
मशगला सबसे बड़ी नेकी अन्नज़रतु इला वजही रसूलुल्लाह, फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को बार बार देखना ये मेरी जिंदगी का मशगला। जिंदगी उन्होंने इसीलिए रखी है, सहाबा का ये जज्बा बेदार कर लो, ये आपके अंदर तड़प आ जाए और अर्ज करो मदीने वाले को यूं कहकर कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हो गए हैं, घर को सजाते सजाते जिस दिन तुम्हारी आवाज पहुंचेगी मदीने इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि वो आमिनों का लाल कायनात का सबसे हसीन चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ये जज्बा मैं तुम्हारे अंदर इसलिए डाल करके जा रहा हूँ कि आज शायद आंखें बहुत थकी हुई हैं दुनिया देख देख करके, इन बाजारों की जीनत को देख देख करके बेगैरती आ गई, ईमान की हलावत में कमी आ गई, नजरें आज गुनाह कर कर करके इस कदर अय्याश और बेहया हो गई कि अब खून देख करके भी बेदार नहीं होती, अपने भाइयों के गर्दनों पर चलती हुई छुरी देख करके भी बेदार नहीं होती, अपनी माँ और बहनों को बाजार में उजड़ता हुआ देख करके भी बेदार नहीं होती। इन आंखों की खता यह है कि इन आंखों को हमने याश बनाया है, या तो फिर पोर्नोग्राफी के जरिए से, या तो फिर शैतानी रक्स को देख करके, या दुनिया की चकाचौंध ने तुम्हें बेजार कर रखा है। आओ इन आंखों को आज की रात यह तय कर लो कि मैं अब देखने की तलब लेकर के जाऊंगा घर, इसलिए कि मैंने सुना है मेरे आका मेरे मुस्तफा मदीने वाले बड़े गैरतमंद है, हातिम ताई जितनी सखावत नहीं करता, मेरे मुस्तफा वो एक लम्हे में सखावत किया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये है कि कभी किसी ने मांगा हो वहां से ना कभी नहीं आया। वाह क्या जूदो करम है शहे बतरा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ऐ जवानों कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मांगने में देर किस बात की, पूछने में देर किस बात की। आओ अब मुस्तफा करीम के दरबार में ये नहीं कहेंगे कि मेरे आका अब इन हालात को सुधार दो, इन हालात को आप संवार दो, बल्कि अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह एक बार अपना जलवा दिखा दो, एक बार अपना जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरोज, उस चेहरे जमाने जहां का नक्श तुम्हारे सामने देकर जाता हो आज की रात के बाद उसी तरप में अपनी बाकी जिंदगी गुजार लेना, इसलिए कि जिस दीवाने और जिस आशिक के दिल में ये तरप हो जाए कि मुझे अब कायनात का सबसे बड़ा हुस्न देखना है, कसम रब्बे जलाल की दुनिया की कोई हसीना उसे अपनी तरफ बुला सकेगी, कोई हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकेगा। वो हुस्न ही कैसा था जिसके बारे में सहाबा कहते हैं अंजुमन में आए तो ऐसा लगता हसीन गुलाब खिला हो, जब बात करे तो ऐसा लगे कि दांतों से निकलने वाली रोशनियों से रात में उजाले पैदा हो जाए, वो हसीन चेहरा ऐसा कि बुरे बाला अमामा घनी जुल्फे बल खाती हुई जुल्फे और रुख से मुस्कुराए तो अनार से ज्यादा सुर्खी और लबों पर गुलाब से ज्यादा हसीन पंखड़ियां और वो लबहाए नाज जिनसे झड़ते हैं हजारों मोतियां। मेरे अजीजों उस चेहरे जमाले जहां आरा का तस्वीर में दे जाता हूं आज पलटने की रात है, उस गुंबदे खजरा की छांव में ले आता हूं जहां देखने का तुम्हारे अंदर ये ऐसा जज्बा पैदा हो जाए। वो कैसा हुस्न था जिसको शायर कहता है चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, और गेसु है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, और गेसु है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के आलम है, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यजदा की जुबां बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया,
जुरत है कि असरारे जहां खोल रही है। ये दाल शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दबते हुए हीरे। ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों